हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज किचन। आज मैं इस वीडियो में आपको ये केक डेकोरेट करना सिखाऊंगी और रोज टिप नोजल को यूज़ करना सिखाऊंगी, कैसे हम उसको यूज़ करके फ्लावर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सामने ही बेल बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडलिंग है केक बाय नेहा जैन। मैं उसका भी लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको कुछ क्वायरी है या कुछ पूछना है केक से रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। फर्स्ट हम अपना बोर्ड में थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे, देन उसके ऊपर केक का लेयर रखेंगे। वैसे मैंने ये चॉकलेट केक यूज़ कर रही हूँ डेकोरेट करने के लिए। मैंने इसको बनाने का वीडियो अपलोड किया है, अगर आपको देखना है तो मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आप कोई भी फ्लेवर का केक डेकोरेट कर सकते हैं। और हम इसमें लेयर अच्छे से क्रीम का लगा लेंगे, देन सेकेंड लेयर जो है केक का वो इसके ऊपर रखेंगे। मैंने केक को दो ही लेयर में कट किया था। अब ये ऊपर वाले पार्ट में हम थोड़ा क्रीम ज़्यादा लेके स्प्रेड करेंगे। कम लेके स्प्रेड करने से होगा क्या कि केक का जो क्रम्स है वो स्पेचुला में चिपक जाएगा, तो आपको बार बार क्लीन करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होता है फिर क्रीम को स्प्रेड करने में। आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए और फिर स्प्रेड कर लीजिए, तो स्पेचुला में भी कुछ केक का क्रम्स नहीं लगेगा और आपको ईजी होगा काम करने में। देखिए, मैंने ज़्यादा लेके अच्छे से इसे स्प्रेड कर लिया है। देन अब हम साइड में थोड़ा थोड़ा लेके स्प्रेड करेंगे। आप एक बार में लेके ऐसे करना चाहेंगे तो ये अच्छे से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा लेके कीजिए, इजी भी रहेगा करने में और आपका स्पेचुला भी क्लीन रहेगा, उसमें केक के क्रम्स नहीं लगेंगे। देख लीजिए कैसे मैं थोड़ा थोड़ा लेके कर रही हूँ, अच्छे से बस कोट कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, वरना अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। और एक बार हम पूरा इसे अच्छे से बैलेंस करने के लिए राउंड घुमा लेंगे, देन ऊपर भी पूरा प्लेन कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा हमारा केक का शेप परफेक्टली हुआ है कि नहीं। मेरा नहीं हुआ था, इस साइड में ज़्यादा था तो मैंने उसे हटा लिया है। अब आप चाहे तो सिर्फ साइड में इसे प्लेन रख सकते हैं या फिर कोई स्क्रेपर की हेल्प से डिज़ाइन बना सकते हैं। प्लेन करना है तो डायरेक्ट स्पेचुला से आप इसे घुमा लीजिए, प्लेन हो जाएगा। और स्क्रेपर से करना है तो स्क्रेपर जो डिज़ाइन का यूज़ करना है आप कर सकते हैं। मैं इसमें प्लेन लाइन लाइन वाला यूज़ कर रही हूँ। दो राउंड में हो जाएगा ये, अच्छे से इसमें डिज़ाइन आ जाएगा। और नीचे में जो क्रीम लग गया है, मैं उसे पहले टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मैं ये केक में जो फ्लावर बना रही हूँ वो आप कोई भी कलर का बना सकते हैं, बस आपको जिस कलर का बनाना है वो कलर उसमें ऐड करना होगा। आप थोड़ा सा एक बाउल में क्रीम ले लीजिए, एंड देन आपको पिंक बनाना है तो पिंक कलर, येलो बनाना है तो येलो कलर, जो कलर बनाना है वो कलर क्रीम में ऐड कर लीजिए, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर फ्लावर बना लीजिए। और मैं आज इसमें मिरर ग्लेज यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको वो यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्टली फ्लावर को अपने केक पे प्लेन कर सकते हैं। आप इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ उसे प्लेन कर लीजिए, फिर आप कोई कलर का फ्लावर बना लीजिए और उसके ऊपर प्लेस कर लीजिए, वो भी काफ़ी प्यारा लगता है। मिरर ग्लेज बस केक को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए होता है, ऊपर में थोड़ा शाइनी लाने के लिए होता है और कुछ नहीं। देखिए ये मेरा ग्लेज है, ये पूरा प्लेन है, इसमें मैंने इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, मैंने प्लेन वाला लिया है। फ्लेवर लेने से क्या होता है कि वो सिर्फ एक ही फ्लेवर का रहता है तो वो हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। प्लेन का ये बेनिफिट है कि आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं फ्लेवर ऐड नहीं कर रही हूँ, बस कलर ऐड कर रही हूँ। फ्लेवर ऐड करने के लिए आपको एसेंस डालना होगा। अगर स्ट्रॉबेरी चाहिए तो स्ट्रॉबेरी एसेंस, देन पिंक कलर। पाइनएप्पल चाहिए तो पाइनएप्पल एसेंस, देन येलो कलर। मैं बस यहाँ रेड कलर डाल रही हूँ, एसेंस नहीं डाल रही हूँ। मैं जेल कलर यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड यूज़ करने से क्या होता है कि जेल ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है एंड देन वो बहुत फ्लो करने लगता है, जेल से ये एकदम थिक रहता है। ये जेल कलर वन ड्रॉप इनफ है कलर लाने के लिए, एकदम परफेक्ट रेड कलर आ जाएगा इसमें।
वैसे भी क्रीम में मैं प्रिफर करती हूँ जेल कलर ही यूज़ करना, लिक्विड कलर से क्रीम भी सही नहीं रहता है तो ये फ्लावर्स वगैरह अच्छे नहीं बनते। फर्स्ट मैं इसे अपने केक के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी अच्छी तरह से। मैंने अराउंड ये 4 टेबल स्पून जेल का लिया था सिर्फ ऊपर में कवर करने के लिए अच्छी तरह से, इतना इनफ है। अच्छी तरह से बस इसे स्प्रेड कर लेना है स्पून से या फिर कोई भी स्पीचुला से। इसके बाद हम इस पे अपना फ्लावर प्लेस करेंगे। फ्लावर प्लेस करने से पहले हम इसे थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने रखेंगे। सेट नहीं होगा तो इसके ऊपर फ्लावर अच्छे से प्लेस नहीं होगा, वो पिसलने लगेगा। तो आप इसे पहले सेट कर लीजिए फिर ही आप इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन कीजिए। देखिए मैंने स्प्रेड कर लिया है, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी जब तक मैं आपको फ्लावर बनाना दिखा देती हूँ। फ्लावर बनाने के लिए मैंने ये वाला नोज़ल यूज़ किया है, ये एक तरफ से पतला और एक तरफ से थोड़ा इसका जो पॉइंट है ब्रॉड रहता है, एक तरफ से बहुत ही नेरो रहता है, ये लंबा करके रहता है इसका पॉइंट। और इसे पाइपिंग बैग में डाल लीजिए और आगे से कट कर लीजिए जितना आपको ज़रूरत लगे। और फिर इस पाइपिंग बैग में हम अपना क्रीम भर लेंगे। क्रीम आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, मैं वाइट ही रखूँगी क्योंकि मैंने रेड जेल डाला था तो उसके ऊपर वाइट फ्लावर ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बहुत ज़्यादा क्रीम ना भरे वरना वो ऊपर से निकलने लगेगा। इसे हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही भरिए बस, पाइपिंग को बहुत ऊपर तक मत भरिएगा, इतना इनफ है। मैं मुझे सिर्फ 2 फ्लावर्स बनाना है तो इतना इनफ है। फ्लावर बनाने के लिए हमें ये ज़रूरत होता है, इसे नेल फ्लावर नेल बोलते हैं, फ्लावर नेल। ये इजली आपको मार्केट में मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो। फर्स्ट हम जिगजैग करके एक हाइट क्रिएट कर लेंगे, देन साइड में बनाने के लिए हमें अपना हैंड एकदम स्ट्रेट रखना होगा एंड देन सी बनाना होगा। सी इन ए सेंस हमें नीचे से लेके ऊपर लेके जाना है, वापस नीचे लेके आना है। देन नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए जहाँ एंड हुआ उसके पीछे से स्टार्ट करना है। पेटल बनाना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है, फिर थोड़े पीछे से वापस सेम प्रोसेस से ऐसे ही बनाते रहना है। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं, आपको इतना रखना है तो आप इतना भी रख सकते हैं, और बड़ा बनाना है तो उसमें बस आपको सेम नीचे से ऊपर लेके वापस नीचे लेके आना है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए जहाँ पे एंड हुआ है उसके पीछे से स्टार्ट करना है, जहाँ एंड हुआ है वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, मतलब पेटल्स अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये पेटल जैसा पूरा क्रिएट हो गया है साइड में। अब चाहे तो आप इसमें स्प्रे कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर का, रेड, पिंक, ब्लू, जो आपको अच्छा लगे। और अगर वाइट रखना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसे डस्ट कलर बोलते हैं। ये भी आपको इजीली कोई भी शॉप में मिल जाएगा, इसमें भी काफ़ी वेरिएंट से कलर के आप चेक कर सकते हैं। बस इसमें स्प्रे करना है, मैं नेक्स्ट टाइम कभी ज़रूर यूज़ करके दिखाऊंगी। और हमें जहाँ ये फ्लावर प्लेस करना है वहाँ हम क्रीम से थोड़ा सा इसका हाइट बना लेंगे ताकि इसके ऊपर जब हम फ्लावर रखें तो वो अच्छा खुल के खिला खिला दिखे, डायरेक्ट रखने से थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और एक फॉक के हेल्प से मैं इससे यहाँ से रिमूव करके वहाँ प्लेस करूँगी। क्रीम अच्छा से विप होगा तो ये इजली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अगर क्रीम अच्छा से विप नहीं हुआ तो ये फ्लावर तो बन जाएगा लेकिन हम वहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह प्लेस नहीं कर पाओगे, वो वहीं पे बिखर जाएगा। सेकेंड भी बना रही हूँ सेम प्रोसेस, जिग-जिग पहले बना लिया, फिर नीचे से ऊपर देन नीचे से सी जैसा, नीचे से ऊपर देन नीचे वापस वो सी, नीचे से ऊपर सी बनाना है। ऐसे ही करते करते हमें अपना पूरा पेटल्स बना लेना है। अब फ्लावर की साइज़ बस अपने ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा बनाना चाहते हो। मैं पूरे केक में सिर्फ ये 2 ही फ्लावर लगा रही हूँ तो मैं थोड़ा बड़ा बनाऊँगी ताकि वो अच्छा लगे। ऐसे ही इसी प्रोसेस से हमें पूरा पेटल्स बनाना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है फिर नीचे लेके आना है और नेक्स्ट वाला वापस पीछे से स्टार्ट करना है। देखिए ये हो गया है, मैंने 5 राउंड्स ऑलमोस्ट बनाए हैं इससे। आप 3 में भी छोड़ सकते हैं छोटा बना के,
और जहाँ बनाना है वहाँ क्रीम थोड़ा डाल लेंगे एंड उसके ऊपर प्लेस करेंगे। आप इसे सीजर से भी रिमूव कर सकते हैं, फॉक से भी रिमूव कर सकते हैं, इसे अच्छे से उठा के वहाँ प्लेस करना है बस। ये हो गया है। अब हम नीचे तरफ में भी सेम नोज़ल से डिज़ाइन बनाएंगे। इससे हम आप पेंडम से शेल बनाना सिखाया था, सेम प्रोसेस है, आगे लेके जाएंगे, देन वापस पीछे लेके आएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे, पीछे लेके आएंगे, ऐसे करते करते फ्रिल टाइप पैटर्न बन जाएगा। नॉट एग्जैक्ट फ्रिल है, बट उसी टाइप में बन जाएगा। दूसरे नोज़ल से शेल बनता है तो वो थोड़ा मोटा सा बनता है, ये पतला पतला बस वैसे बनेगा। अप डाउन करके आपको पूरा बना लेना है। और आप चाहें तो लास्ट में इसमें कुछ स्प्रिंकल ऊपर में डाल सकते हैं या फिर प्लेन भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।